आगरा की बाहर सीट पर प्रचार करने पहुंचे अखिलेश, रामजी सुमन जनता को कर रहे थे संबोधित। रामजी सुमन ने जिलाध्यक्ष को दिखाया तमाचा। राज्यसभा में दी गई लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि, वेंकैया नायडू ने पढ़ा शोक संदेश। राज्यसभा की कार्यवाही एक घंटे के लिए। जालौन में ट्रक में अचानक लगी आग, आग लगने से मचा हड़कंप, ड्राइवर और कंडक्टर ने कूद कर बचाई जान। उन्नाव में गोली लगने से जवान की मौत, शादी समारोह में चली थी गोली, मातम में बदली शादी की खुशियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे खबरों का। आगरा की बहा विधानसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। मंच पर उस समय अजीबोगरीब सा माहौल हो गया जब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजीलाल सुमन ने जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा पर मंच पर तमाचा दिखा दिया। ये देखकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दरअसल अखिलेश यादव आगरा की बहा सीट पर प्रचार करने पहुंचे थे जहां रामजी सुमन मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे। उस समय अखिलेश यादव और जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा आपस में बातचीत कर रहे थे। ये बातचीत रामजी लाल को पसंद नहीं आई। उन्होंने दो बार जिलाध्यक्ष को अपने भाषण के बीच में इशारा करके बात करने से मना किया, लेकिन जब जितेंद्र वर्मा ने अखिलेश से बात करना बंद नहीं किया तो रामजी लाल माइक छोड़कर जिलाध्यक्ष के पास आए और तमाचा दिखा दिया। संसद के बजट सत्र के छठे दिन लता मंगेशकर को याद किया गया। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने लता मंगेशकर के लिए शोक संदेश पढ़ा। इसके बाद संसद की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में लता मंगेशकर की याद में एक मिनट का मौन भी रखा गया। इसके बाद कार्यवाही को एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में संविधान एससी और एसटी आदेश संशोधन बिल 2022 पेश किया जाएगा। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुए हमले को लेकर गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में बयान भी देंगे। केयर बोर्ड के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जवाब दे सकते हैं। आम बजट 2022-23 पर चर्चा की आज से शुरुआत हो सकती है। Honorable members, I refer with profound sorrow to passing away of Ms. Lata Mangeshkar, the legendary playback singer and a former member of this house, on the 6th of February 2022 at the age of 92 years. Born in a family of musicians in September 1929 at Indore in Madhya Pradesh, Lataji took to singing at a very young age after being introduced to music by her father. Since then, there was no looking back on the chain of events that began back then, culminated with her acquiring a status of legend in the world of music. Fondly known as the Nightingale and the Melody Queen, Lataji recorded over 25,000 songs in her career spanning more than 7 decades. Her singing prowess has been as diverse as our country, with her recording songs in every 36 Indian languages and a few foreign languages too. Lataji had a special quality and intricate ability of connecting herself with the songs she sung at a deeper level, which led to creation of masterpieces that left one and all mesmerized across the globe. Lataji knitted her nation by representing us collectively. और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। जालौन के चुरकी थाना क्षेत्र के नदाई गांव में चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे ट्रक आग का गोला बन गया। धू-धू कर बालू से भरा ट्रक जलने लगा। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूद कर किसी तरह से अपनी जान बचाई। वही आग को लेकर राहगीरों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था।
उन्नाव में बिहार थाना क्षेत्र के गांव में शादी समारोह कार्यक्रम में शामिल होने आए सेना के जवान को उस समय गोली लग गई जो वहां पर मौजूदा रायबरेली के एक शख्स ने फायरिंग कर दी। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। मौजूदा लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर शादी की खुशियां मातम में बदल गई। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और फायरिंग करने वाले की तलाश की कोशिश कर रही है। थाना बिहार के एक गांव में हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिली है। इस मामले में पुलिस द्वारा शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया गया है। FIR पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें व्यक्ति जिसके द्वारा ये हर्ष फायरिंग की गई है उसकी तलाश जारी है और जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले ये पता चला है कि यह व्यक्ति थाना सरैनी जनपद रायबरेली का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम अधिकारी बीघापुर के नेतृत्व में गई हुई है। वहीं चुनाव से पहले अमेठी पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। छापेमारी के दौरान SOG और पीपरपुर पुलिस ने असलाह बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। साथ ही असलाह फैक्ट्री से पुलिस ने अवैध 16 असलाह और 2 कारतूस सहित 10 अर्ध निर्मित असलाह और उपकरण बरामद किए हैं। वहीं इस दौरान पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया है। गौरीगंज पुलिस कार्यालय पर CO अर्पित कपूर ने मामले का खुलासा किया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।